ये नीली रावी, पहले ये दो ब्रीड्स होती थी, हमारे पाकिस्तान की बेस्ट ब्रीड्स हैं, एक नीली थी और दूसरी रावी थी। दरिया रावी का जो एरिया है ये रावी कहलाता है, जो ओकाड़ा ये बुरे वाला और ये एरिया जो है ये नीली बार है, है? व्याड़ी का नीली और ये दूसरा रावी, इनकी ब्रीड अलहदा होती थी, उनकी ब्रीड अलहदा होती थी। हमारे पास हमारे किसान इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, उनकी एजुकेशन तो किसी ने की नहीं, तो उन्होंने कोई मेंटेन नहीं किया। काश के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, खास तौर पे लाइव स्टॉक के ब्रीडर्स जो हैं, वही इनको मेंटेन करते, जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वो करती, या ये साहिवाल के करीब कौन सी जगह है वो जहां पे बहुत बड़ा फार्म है इनका, बहादुर नगर, बहादुर नगर वाले करते ना, बहादुर नगर वालों ने मेंटेन किया इसको, ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने किया। तो वो ब्रीड दोनों मिक्स्ड हो गई, नीली और रावी का मिक्सचर आपको मिलता है। इसमें आप देखें ये इसकी दो चारों टांगे पांव जो हैं वो सफेद नहीं नजर आएंगे, एक शायद थोड़ा सा हो, लेकिन इसका माथा और मुंह थोड़ा वो सफेद नजर आएगा, दुम आपको नजर आएगी, लेकिन ये मिक्सचर है नीली और रावी का, बहुत अच्छी ब्रीड है। नीली रावी का मेल और फीमेल मैंने दिया हुआ है, ये देखें। सिंध के पास एक बहुत जबरदस्त ब्रीड अल्लाह ताला ने दी है, सिंधी, ये कुंडी ब्रीड है, कुंडी कहते हैं जिसके सींग बिल्कुल इस तरह होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे उसमें से उंगली भी गुजारे तो नहीं गुजरेगी, इसको कहते हैं कुंडी। और लेकिन ये प्योर ब्लैक होती है, इसमें ना दुम सफेद है, ना मुंह सफेद है, ना माथा सफेद है, ना इसका पांव सफेद है, ये कुंडी, दोनों बहुत जबरदस्त ब्रीड्स हैं, सिंधी कुंडी और फीमेल मेल। अब बात हो रही थी पैसे कमाने की, टेक्नोलॉजी की, स्मॉल स्केल बफलो डेयरी फार्मिंग ये की जा सकती है, ये आप डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, घंटे लग जाएंगे। इसका कॉविंग इंटरवल जो है वो कम किया जा सकता है, एक दफा बच्चा देती है दूसरा बच्चा जन्म देती है तो उसमें बहुत ज्यादा देर लग जाती है। अब यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं, जो ही बच्चा दे उसके 3-4 महीने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट करा देते हैं, वो इसलिए प्रेग्नेंट कराते हैं ताकि अगला बच्चा आ जाए, दूध भी मैक्सिमम ले लेते हैं और उसके बाद दूसरी दफा फिर बच्चा भी आ जाता है और ब्रीड भी बढ़ती जाती है। हाँ जी, दूध जो है वो ये दोनों, लेकिन ये ज़रा बेहतर है, ज़्यादा प्रोडक्शन देती है नीली रावी दूध। नहीं, इसकी एवरेज जो है, देखिए जब ओवरऑल कंट्री की लगाते हैं तो फिर तो कम आ जाती है, लेकिन जो इसके मुकाबलों में जब आती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त 20-20 लीटर 20 प्लस में चली जाती है, 18 से 20, लेकिन कई दफा तो ऐसे भी हैं जो 30-30 लीटर भी ले लेते हैं, वो जब मुकाबले में आते हैं। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा उसमें बेईमानी भी कुछ लोग कर लेते हैं, वो टीके हैं कुछ ऐसे लगाते हैं और ख़ास तौर पे वो एक ऐसा इंजेक्शन है वो लगाते हैं जिससे वो हड्डियों भी निचोड़ के वो दूध सारा उधर आ जाता है, लेकिन जब वो घर पे लेके जाते हैं वहां तो ले लिया 30-35 लीटर,
और लोगों को लूट लिया उस वक्त पैसे दे, जो वो घर आएगा तो फिर वही 8-10 लीटर पे आ जाता है, तो फिर लोग रोना शुरू हो जाते हैं, पीटना शुरू। वो बोस्टन का टीका है, बोस्टन का टीका लगाते हैं तो उससे कर देते हैं। तो एवरेज लैक्टेशन यील्ड जो है वो इसकी 1200 लीटर है, और उसको इंक्रीज किया जा सकता है कई लीटर तक, वो भी हम बताता हूँ। तो ये है छोटे पैमाने पे। अब ये है कि ये भी किया जा सकता है कि मिल्किंग के लिए छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं अब इसमें, लेकिन अगर शुरू से आदि कर ले तो वो मिल्किंग कराती है, अदरवाइज ये हाथ नहीं वो चढ़ाते हैं तो ये सारा दूध ही चढ़ा लेती हैं, या वो पाँव मारती हैं तो दूध ही नहीं। तो ये शुरू से गाय और भैंस को इसका आदि बनाना पड़ता है, जो हाथ पे लग जाए तो वो सख्त हाथ भी लगे तो उसको भी गड़बड़ हो जाती है, समझ गए मेरी बात। तो ये भी अगर मिल के 4-5 या एक बंदा ये कारोबार में भी कर सकता है। और कुछ अमीन है हमारा साहिवाल का, उसकी कॉल एक आई थी, मुझे एक प्रोग्राम भी है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने मुझसे अब दूध नीचे बैठा नहीं जाता। मैंने कहा क्यों? मेरा पेट बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा यार नीचे कोई कुछ रख लिया करो वो बैठने के लिए, और कहता नहीं फिर भी मेरे हाथ नहीं पहुंचते। तो ये होता है जब इस तरह का चक्कर हो तो फिर ये मशीन के जरिए ही होगा। ठीक है, आगे।